अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू IT फॉर सॉल्यूशन। अपनी इस वीडियो से हम फोटोशॉप में जो है वो रीटचिंग करना स्टार्ट करेंगे। रीटचिंग का मतलब होता है कि किसी को भी बेटर बनाना या किसी चीज़ को बेटर बनाना। और हम इस चैप्टर में क्या करेंगे कि पहले तो हम रीटचिंग वाले जो फोटोशॉप में कुछ टूल्स होते हैं उनको स्टडी करेंगे, उसके बाद हम इस पोर्ट्रेट इमेज को कन्वर्ट करेंगे। इस इमेज में एडिट करने के बाद, रीटच करने के बाद हम इसमें क्या करेंगे कि इसके जो थोड़े से ब्लेमिशेज हैं फेस पे वो रिमूव करेंगे, और थोड़े से इसके जो बाल इसके फेस पे से आ रहे हैं उनको ठीक करेंगे, उनको रिमूव करेंगे। और उसके अलावा ये जो शाइन है इसके फेस पे इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, रिमूव करेंगे। और उसके अलावा इसकी जो आइज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर काफ़ी डिफरेंस आपको नज़र आ रहा होगा, इसको हम थोड़ा सा ब्राइट करेंगे। और उसकी जो स्माइल है यहाँ पे इसको भी थोड़ा सा हम इसके टीथ भी ब्राइट करेंगे, और फाइनली हम इसको थोड़ा सा स्किन को सॉफ्ट इफेक्ट देंगे ताकि हमारे पास ये जो है वो कुछ इस तरह शो हो। और जब भी कभी हम रीटचिंग कर रहे होते हैं तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि जो किसी भी पर्सन की जो इमेज है उसकी जो पर्सनैलिटी है या उसकी जो स्किन की टेक्स्चर है, क्यूटनेस होती है इमेज की, उसको आप कुछ भी ना करो, उसको आप डिस्ट्रॉय ना करो। अगर आप किसी की इमेज को एडिट करके, रीटच करके उस बंदे को दिखाते हो और वो आपको कहता है कि आप क्या आपने मुझे फ़ोटोशॉप किया है, तो आप काफ़ी दूर चले गए। आराम से काम करना होता है और इस तरह काम करना होता है कि काफ़ी कम ऐसा फील हो कि ये एडिटेड पिक्चर है या इसको हमने फ़ोटोशॉप में एडिट किया है या रीटच किया है। जिस तरह आप काफ़ी मॉडल्स वगैरह की इमेजेस देखते हैं वो एक्चुअल में रीटचड होती हैं, लेकिन काफ़ी अच्छे आर्टिस्ट होते हैं जो रीटच करते हैं उनको, तो हमें इतना फील नहीं होता है कि ये इमेज जो है उनकी रीटचड है। तो जब हम रीटच कर रहे होते हैं तो हमें ये जो कुछ रिंकल्स होते हैं जो एज के साथ आते हैं ये सारे रिमूव नहीं करने होते, कुछ हमें इनको जो है वो रखना होता है, या फिर मतलब जो इमेज का टेक्स्चर है जैसे ये नोज़ की ये वाली लाइन्स है, इनको भी काफ़ी लोग मैंने देखा है जब एडिट करते हैं। आजकल तो ऐप्स वगैरह होती हैं जिनमें आप फिल्टर जो है वो अप्लाई कर देते हो इमेज के ऊपर, तो आपकी पूरी इमेज बिल्कुल मतलब कंप्यूटराइज हो जाती है, ओरिजिनल उसकी जो टेक्सचर या क्यूटनेस होती है सारी की सारी ख़त्म हो जाती है। तो फोटोशॉप बहुत ज़बरदस्त टूल है रीटचिंग करने के लिए। जब भी प्रोफेशनल रीटचिंग होती है वो फोटोशॉप के अंदर ही होती है, तो मैं आपको यहाँ पे काफ़ी ऐसी ट्रिक्स और टिप्स बताऊंगा जिसको यूज़ करते हुए आप काफ़ी प्रोफेशनल और क्लीन इमेजेस की जो है वो रीटचिंग कर सकते हैं। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे इस इमेज को रीटच करना और रीटचिंग वाले टूल्स के बारे में पढ़ना। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।